11 मई को सेम डे पर 3 PM को दिन को यहाँ पर Realme 6 एंड Realme 6 Pro के बारे में लाइव इवेंट है, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर Realme पाकिस्तान को फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको लाइव इवेंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं Realme 6 की स्पेसिस के बारे में, तो यहाँ पर आपको पंच होल डिज़ाइन देखने को मिलता है और यहाँ पर जो प्राइस बताई जा रही है 40,000 वो एक्सपेक्टेड है। कंफर्म आपको लॉन्च इवेंट के बाद पता पड़ेगा। और अगर आपको Redmi Note 9S का लॉन्च इवेंट देखना है तो मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है उस लॉन्च इवेंट की लिंक, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको Helio G90 का प्रोसेसर देखने को मिलता है 12 नैनोमीटर वाला। मालिका GPU यहाँ पर है और इसका जो डिस्प्ले है वो फुल HD प्लस 6.5 इंचेस का है। IPS LCD पैनल देखने को मिलता है जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है और 90Hz का डिस्प्ले है। यहाँ पर 120Hz लिखा हुआ है लेकिन 120Hz नहीं है, 90Hz ही है। बैक पे 64 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का वाइड एक कैमरा है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ सेंसर है। इस फ़ोन में EISP है, जायरो सपोर्टेड भी है और 4K रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, ऑलमोस्ट होगी 4K रिकॉर्डिंग। बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है F2.0 अपर्चर के साथ। फ्रंट कैमरा से आप 1080p 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें आपको USB टाइप सी केबल देखने को मिलेगी और रिवर्सिबल कनेक्टर भी, आप इस USB टाइप सी टू माइक्रो USB पे चार्ज कर सकते हो, दूसरे फ़ोन्स को एज अ पावर बैंक से यूज़ कर सकते हो। बात करते हैं बैटरी की, तो इसमें आपको 4300mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि सपोर्ट करती है 30W की फास्ट चार्जिंग 100% या 55 मिनट्स में, यानी कि 1 घंटे में कर लेगा। इसकी बैक पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक फ्रेम में आती है। नॉइस कैंसिलेशन माइक आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कोई लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपको थोड़ी बहुत हीट देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर गर्मियाँ आ गई है और Mali के GPU हीट होते हैं अक्सर, तो प्रोसेसर के मामले में ये थोड़ा मार खा जाएगा क्योंकि Redmi Note 8 Pro में भी यही प्रोसेसर था लेकिन वहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती थी तो वो हीट नहीं होता था, हीट होता था लेकिन लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी थी तो ठंडा भी हो जाता था। अब Redmi Note 8 Pro की प्राइस कुछ 33 से 32 हज़ार पे है और ये Realme 640 का आया तो ये वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा। अब देखते हैं क्या प्राइसिंग निकल कर आती है। लॉन्च इवेंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। अब देखते हैं कि क्या प्राइस निकल कर आती है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।